अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस है जो आपकी जो एक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर असर डालता है। तो बेसिकली क्या होता है, एक मान लो एक रिवर है, रिवर फ्रीज हो गई, ठंड पड़ गई, फ्रीज हो गई, तो फ्रीज वो सरफेस से होती है, जितना नीचे जाएंगे आपको बर्फ नहीं मिलेगी। क्यों? फोर डिग्री बेसिक लॉजिक बताओ पहले। जब वो फोर डिग्री रीच कर जाता है तो उसके बाद वो जम जाता है। बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं। वो कह रही है कि पहले जब ठंड पड़ेगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर फोर डिग्री से घटेगा, घटते 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 पहले यहाँ क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, पहले ऊपर का फ्रीज होगा। फ्रीज होने का प्रिंसिपल बता देता हूँ। पानी में से हीट निकाली जाती है, एयर के मॉलिक्यूल आते हैं, पानी की हीट को ले जाते हैं, और किसी भी चीज़ की हीट जब ले ली जाती है तो वो ठंडी हो जाती है और वो बर्फ़ जम जाती है। अब जो आइस है वो एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, आइस में से हीट पास नहीं हो सकती। तो अब क्या होगा, वो और हीट निकालने की कोशिश करते हैं, निकलेगी नहीं बिकॉज बैड कंडक्टर है। तो जो पानी चार पे था वो चार पे रह जाता है, ये ठंडा हो जाता है क्योंकि फोर डिग्री के नीचे था, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिश वाला जितने भी जो आपके जो एक्वेटिक लाइफ है वो जितने भी यहाँ पे फ्रीज नहीं हो पाते और वो तैरते रहते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है। वैसे क्वेश्चन आए ना आए, बस एक कॉन्सेप्चुअल है।